नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत खरगोन जिले के टांडा बरूड में स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से बाइक रैली और मोटी माता चौक प्रांगण में नशा मुक्ति अभियान के तहत फैंस क्लब द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भुवनेश्वर सिंह, रिटायर्ड शिक्षक उत्तर प्रदेश, कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच गीना आचार्य ने की। नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत नशा मुक्ति से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। वही सामाजिक कार्यकर्ता भोलाराम कुमरावत और चंपालाल कुमरावत ने भी अपना उद्बोधन दिया। बरूड़ से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। ये नशा मुक्ति अभियान पूरे विश्व में नशे की हालत अधिक हो गई थी, इसीलिए राष्ट्रीय संघ द्वारा 26 जनवरी को वो 26 जून को नशा मुक्ति ड्रग्स दिवस मनाया जा रहा है। प्रतिवर्षानुसार इस साल में 20 जून से 26 जून तक नशा मुक्ति सप्ताह माननीय DGP महोदय, माननीय SP महोदय, अतिरिक्त SP महोदय के निर्देश पर सभी थाना प्रभारियों द्वारा प्रत्येक गांव में जाकर पत्रकारों के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, वरिष्ठ नागरिकों के माध्यम से ये अभियान चलाना है। अपने भारत को नशा मुक्ति से अलग करना है। इसके तहत तरह तरह के कानून बनाए गए हैं, लेकिन नशा मुक्ति ना होने के कारण अब जन जागरण को दृढ़ संकल्प लेकर नशा मुक्ति अभियान करना है, जब ही नशा मुक्त भारत बनेगा। थानेदार के मार्गदर्शन में थाना बरूड़ में कल एक मीटिंग रखी गई थी, उसमें बुलाया गया था। तो मेरा उद्देश्य था कि यह कार्यक्रम मोठी माता चौक बाजार चौक में रखा जाए। नशा मुक्ति का कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम फ्रेंड्स ग्रुप भोलू राम मित्र मंडल द्वारा रखा गया, जो आज मैं उस कार्यक्रम के लिए सफल हो गया। मेरे चार भाइयों ने नशा छोड़ा है, इसके लिए मैं उन चारों को धन्यवाद देता हूँ। क्या नाम है आपका? भोलू राम कुमरावत। सर, ये नशा मुक्ति के संबंध में आज जो आप लोग जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? इसके पहले भी मैं इस संबंध में बोल चुका हूँ कि 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निवारण दिवस मनाया जा रहा है, उसकी पृष्ठभूमि में उस आयोजन को, उस दिवस को और ताकत देने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने इसको 20 जून से शुरू किया।